हुआ क्या? गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा है जीएसटी इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाओ आप लोग। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री गोपीचंद ऑफ केरला अज्यूमिंग सीजीएसटी 9% एसजीएसटी 9%, सबका यही है क्वेश्चन। हाँ प्रियांशी निधि कोई बात है? सेम क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लो केरला, क्योंकि अब अगर ट्रांजेक्शन केरला के स्टेट में ही है तो क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी, और केरला छोड़ के कोई और स्टेट में है तो लगेगा आईजीएसटी। हर बार आपको चेक करना पड़ेगा। परचेज गुड्स फॉर ₹3 लाख फ्रॉम करुणाकरण ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। केरला से ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु में, मतलब सेम स्टेट का नहीं है, आउटसाइड स्टेट हो गया, क्या लगेगा? आईजीएसटी। सेल क्रेडिट होता है तो परचेज क्या होता है? डेबिट। जहाँ परचेज वहाँ जीएसटी, परचेज में गुड्स आता है तो इनपुट जीएसटी, तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू करुणाकरण अकाउंट, क्योंकि पूरे ट्रांजेक्शन में कहीं भी कैश नहीं दे रखा, करुणाकरण किसी का नाम है तो ये उधार का ट्रांजेक्शन है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? हाँ, तो थोड़ा सा स्पीड में मैं एंट्री कर लेता हूँ। कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 3 लाख का कितना परसेंट आईजीएसटी है? तो 9 और 9 18%, 3 लाख का 18% होगा 54,000। सही है कि गलत है? टोटल हो गया 3,54,000। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। एक स्टार मार्क कर दो इलस्ट्रेशन नंबर के आगे, टेस्ट में तो आएगा ही आएगा। परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम गणेशा ऑफ अन्नापुरम केरला। क्वेश्चन में सबसे ऊपर क्या बोला? केरला। ट्रांजेक्शन भी कहाँ हो रहा है? केरला। तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। चीज तो अपन परचेज ही कर रहे हैं तो फिर ये ट्रांजेक्शन तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, तो इसका मैं बना देता हूँ क्लोन शोन। ये क्लोन यहाँ पे लो, वापस से वही जी। नहीं है आप यहाँ देखो प्लीज, पिछले वाली उसमें आईजीएसटी था, ये केरला का ही है तो क्या आ जाएगा? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। सबको समझ में आ रहा है? करुणाकुलम, करुणाकुलम कौन क्या था? करुणाकरण, उसके बंदे में कौन है? नाम बताओ क्या है? गणेशा। परचेज कितने का आइटम है? ओनली 50,000। और सी जी एस टी एस जी एस टी मतलब 9% 9%, तो 4,500 टोटल हो गया 59,000। अगले ट्रांजेक्शन पे आओ। सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा? जी एस टी के चैप्टर में जो चीज़ डिफिकल्ट थी वो जी एस टी नहीं थी, डिस्काउंट था, और था कैलकुलेशन कि बार बार डिस्काउंट माइनस करके फिर जी एस टी कैलकुलेट करना और जी एस टी को ऐड करना, कैलकुलेशन डिफिकल्ट थी। जीएसटी तो दो लाइन में यूं ही खत्म हो जाता है, जहाँ परचेज वहाँ जीएसटी, जहाँ सेल वहाँ जीएसटी। परचेज में गुड्स आता है तो इनपुट जीएसटी, सेल्स में गुड्स जाता है तो आउटपुट जीएसटी। ये तो इतना इजी है कि मुझे भी कर लेगा, नहीं? ठीक है, नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग कमीन। मुदित तेरा नाम लिया और डिस्काउंट आ गया, देख तो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000, अंडरलाइन करो कॉस्टिंग। कॉस्ट पे चीजें नहीं बेची जाती, पहले प्रॉफिट क्या करेंगे? अपन ऐड करेंगे। माइनोर तू भी अंडरलाइन अंडरलाइन कर ले, क्वेश्चन नहीं है। वेरी गुड, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना तेरे को? 80,000 टू नायडू और हैदराबाद तेलंगाना। तो अब वापस से केरला से बात कहाँ जा रही है? तेलंगाना। तो क्या लगेगा? आईजीएसटी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्टलेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। गरिमा, प्रॉफिट और ट्रेड डिस्काउंट में से पहले नंबर किसका आएगा? पहले प्रॉफिट ऐड करूं कि पहले डिस्काउंट लेस करूं? पहले डिस्काउंट लेस करूं। मारिया कुछ समझा रही, समझ क्या होता है? मारिया बता दो इसको। पहले प्रॉफिट ऐड होगा उसके बाद तो डिस्काउंट माइनस होगा ना। मैं 100 रुपए में चीज खरीद के लाया हूं,
कस्टमर को कहूंगा बेटा तेरे को 100 की चीज कितने की है, 150 की, चल तेरे को डिस्काउंट दे दो, तो पहले प्रॉफिट क्या होगा ऐड, फिर डिस्काउंट होगा माइनस, कितने का आइटम है जल्दी बताओ, कॉस्ट है 18,000, कितना परसेंट प्रॉफिट है, ऐड करेंगे प्रॉफिट 25%, कितना होगा 20,000, 25% मतलब 1/4, सबको बताया ना ये देव, तेरे को तो नहीं बताता ना ये, 25% मतलब 1/4, 80,000 का 1/4 कितना होगा 20,000, कितना हो गया 1,00,000, अब इस पर डिस्काउंट कितना है माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, मतलब कितना हो गया 10,000, ट्रेड डिस्काउंट की तो इज्जत है ही नहीं, घर जमाइए ये तो, है ना, तो इसको तो कर दो कट, इसके बाद जो अमाउंट आएगा वो बन जाएगा मुखिया, क्या परचेज के सेल, सर सेल, और सेल ने तो कर रखी है शादी, सेल कितने का माना जाएगा 90, इस पे लगेगा जीएसटी, आईजीएसटी के सीजीएसटी एसजीएसटी, आईजीएसटी क्योंकि केरला से कहाँ जा रहा है तेलंगाना, तो आईजीएसटी कितना परसेंट 18%, 16,200 आएगा शायद, देखो बोलते हैं उसको इंग्लिश में, अक्षय तू भी देख ट्राई कर यार, ये तो जमाना लगा देंगे, तू जल्दी कर लेगा, सही है मेरा हिसाब किताब, यहाँ देखो अब, चल भाई उदित सेल ने कर रखी है 2 के साथ शादी, तो क्या आएगा 2 सेल्स, जहां परचेज वहां जीएसटी, तो सेल कहां पीछे रहेगा, जहां सेल्स वहां जीएसटी, परचेज में आता है इनपुट, सेल्स में जाता है आउटपुट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, कैश में कि क्रेडिट में देखो जरा, कोई कैश बोल रहा है, कोई अरे नायडू नाम आ तो रहा है, कैश कहीं भी नहीं आ रहा, तो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, नायडू अकाउंट डेबिट, सेल्स के सामने सेल्स का अमाउंट 90,000, जीएसटी 16,200, टोटल हो गया 1,06,200, आ रहा है क्या तुम लोगों को समझ में, हाँ कादरी तेरे को आ रहा है क्या, यस सर ही बोल रहे, आंखें उचका रहा चश्मे के अंदर से, 15 सोल्ड गुड्स टू कोट्टायम केरला, हम भी केरला के और ये भी कहाँ का, केरला का, कॉस्टिंग 20,000, वही किसी पिटी कहानी, कॉस्टिंग दे रखी, अंडरलाइन करो कॉस्टिंग, उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट 60%, लेस करेंगे डिस्काउंट 15%, और लिखा हुआ है अगेंस्ट चेक, अंडरलाइन कर लो चेक, मतलब ये किसका ट्रांजेक्शन है, कैश का, है ना, आया तो डेबिट गया तो, बार पूरी कहानी यही चलेगी कैलकुलेशन, तो कितने का माल था, कॉस्टिंग कितनी है 2,50,000, प्रॉफिट कितना है 60%, तो 60% होगा इसका 1,50,000, विश्वास कर लेना सर ने सही कैलकुलेट किया होगा, टोटल कितना हो गया 4,00,000, तो ये बन गया हमारा लिस्ट प्राइस, इसमें मिलेगा डिस्काउंट, कितना है ट्रेड डिस्काउंट 15%, 4,00,000 का ये 60,000, सही विश्वास करना सही होगा 15, ट्रेड डिस्काउंट मतलब घर जमाई, है ना, इज्जत नहीं है उसकी, काटो साले को, कितना बचा 3,40,000, हम भी केरला ये भी केरला, तो क्या लगेगा सी जी एस टी और एस जी एस टी, कितना परसेंट एट द रेट 9%, एट द रेट 9%, चलो चालू हो जाओ 3,40,000 का 9% कैलकुलेट कर लो, इन लोगों ने बोला है मुझे यकीन नहीं है, तुम कैलकुलेट कर लेना, Thank you.
बेटा ट्रेड डिस्काउंट मतलब, ट्रेड डिस्काउंट मतलब घर जमाई, ट्रेड डिस्काउंट मतलब इज्जत नहीं है। उसके बाद की वैल्यू मुखिया है ना, क्या है मुखिया का अमाउंट 3,40,000। मुखिया कौन है, आइदर सेल या परचेज, तो सेल के सामने तो आ जाएगा 3,40,000। सेल ने कर रखी है 2 के साथ शादी, जहाँ सेल वहाँ जीएसटी, सेल्स में गुड्स जाता है तो आउटपुट जीएसटी, केरला केरला का मैटर है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो यहाँ पे आएगा 2 आउटपुट सीजीएसटी और 2 आउटपुट एसजीएसटी। 3,40,000 का कितना है 9%, 30,600। ट्रांजेक्शन किसका है, कैश का है, क्रेडिट का, अगेंस्ट चेक, अंडरलाइन करवाया ना, तो क्रेडिट का कैश का ट्रांजेक्शन है। कैश में पैसा आया तो डेबिट, कैश में नहीं आया किससे आया, चेक से, तो क्या लिखेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल कितना हो गया 4,01,200। ओके, अगला ट्रांजेक्शन देखो किस चीज का है, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस ₹8,000 पेड इन कैश। कोई सा भी खर्चा करो, किसी भी चीज़ के लिए पेमेंट करो, जीएसटी देना पड़ेगा। जिसके बारे में कुछ ना दे रखा हो वो इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट माना जाता है। एडवर्टाइजमेंट कराएंगे तो हमारे राज्य में से किसी से करा लेंगे, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है इसकी भी एंट्री डिटो किसकी तरह होगी, परचेज की तरह होगी। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऐसे छोटा सा कर देते हैं, चलेगा क्या तुम लोगों को, नाराज तो नहीं हो जाओगे तुम। बोलो ना चलेगा क्या, पक्का बुरा नहीं मानोगे। ओके, क्योंकि मैंने कहा विद इन द स्टेट मानेंगे, क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो क्या लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो मैं ना ये सीजीएसटी एसजीएसटी वाली एंट्री कॉपी कर लेता हूँ, ये लो ये क्लोन बनाया, आना भाई ये क्लोन यहाँ आया। गुड्स परचेज करके लाते हैं तो परचेज अकाउंट लिखेंगे, गुड्स के सिवा और कोई खर्चा है तो उसका नाम लिखेंगे, ये याद रखना तो तेरे काम आएगा। गुड्स परचेज करके लाएंगे तो क्या लिखेंगे, गुड्स के सिवा कोई और चीज होगी तो कितना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा, परचेज को हटाओ भाई, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डालो, ये भी छोटा करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कितने का एडवर्टाइजमेंट है प्लीज बताना मेरे को, 8,000। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के सामने तो 8,000, 8,000 का 9%, 8, 9 ज़ा 72, तो 720। अबे यार टोटल कितना हो गया बेटा, 81,440। नहीं 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 81 थोड़ी, 8,000 है तो 9,000 होगा बेटा, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। और ये ट्रांजेक्शन शायद हमने कैश में पे कर दिया है, तो गणेशा भाई साहब को हटाएंगे और क्या डालेंगे इसको, कैश अकाउंट। हो गई एंट्री, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करी एंट्री में, मैंने परचेज के बदले में उसके खर्चे का नाम लिख दिया, ट्रांजेक्शन क्रेडिट का नहीं था कैश का था तो मैंने कैश लिख दिया, बाकी एंट्री बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलेगा ना, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आए तो बता देना बेटा, वो ये भी समझ लेना कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मानते हो ना तुम लोग, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारी कोई गलती नहीं इसमें, किसकी गलती पता है तुमको, हाँ माँ बाप की, सच्ची तुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें तेरी क्या गलती है। मैं तो एग्जाम्पल है, माल ने मुकुल को समझ नहीं आया, मुकुल की क्या गलती, वो तो ध्यान से पढ़ रहा है, गलती किसकी बेटा, या फिर उनके भी। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए कंप्यूटर खरीद के लाए, तो एक मिनट, हाँ फिजा क्या बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, ताले बजा दो प्लीज फिजा के लिए, सभी को आया हुआ एक हफ्ता ही हुआ है उसको तो याद है, पर खुद के लिए भी बेटा, खुद के लिए भी झपट मारो अपने आप को,
कि तुम्हें अभी तक याद नहीं है कि ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हो, क्यों दे ऐसे ताली मार रही जोर जोर से, याद है तेरे को भी? कंप्यूटर खरीद के लाओ तो क्या बोलते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। गुड्स परचेज करके लाएंगे तो परचेज अकाउंट आएगा, नहीं तो उसका नाम आएगा। नाम क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट। तो वापस से कॉपी मारो, ये लो। अब पहले ये ट्रांजेक्शन पढ़ के बताओ प्लीज कि सीजीएसटी के एसजीएसटी या आईजीएसटी? क्यों? क्योंकि स्टेट का नाम नहीं लिखा हुआ क्या? ठीक है, कुछ ना बोले तो इंट्रा स्टेट मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी, या लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट। कितने का है ऑफिस इक्विपमेंट? कितने का है? 30,000। ओके, और 30,000 का 9% 9% 3 9 27 2700 2700 2700, टोटल हो जाएगा 35,400। उधार का ट्रांजेक्शन है क्या? देखो जरा, कैश क्या है? चेक से दिया है, तो चेक से दिया है तो क्या लिखेंगे अपन? एक मिनट, चेक से दिया है पैसा तो क्या लिखेंगे? मुदित बैंक, मतलब मुदित के माँ बाप की कोई गलती नहीं। टू बैंक अकाउंट है, अब तुम संभल के जवाब देना तो सारा कुसूर उनका हो जाएगा बेचारों का। दिन भर मेहनत करे, पैसे कमाए, तुम्हें यहाँ भेजे, फिर भी तुम गलती उनकी ही बताओ। नेक्स्ट, प्रोप्राइटर विड्रू 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। जय हो, ड्रॉइंग्स, वेरी गुड। पर्सनल यूज आए तो ड्रॉइंग्स, मेरा ड्रॉइंग्स की टैगलाइन। एक मिनट, तूने डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट मारिया। ड्रॉइंग्स पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। कैश में ड्रॉइंग्स करी हो तो जीएसटी नहीं लगेगा, तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू। चेक से दिया है, कैश से दिया है? कितने का है अमाउंट? इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात बताऊं, सबसे अच्छी बात बताऊं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में वो जो गवर्नमेंट को अपन जीएसटी सेटल करने के बाद पे करते हैं ना, वो वाला ट्रांजेक्शन ही नहीं है। बैलेंस अमाउंट पेड टू जीएसटी डिपार्टमेंट या बैलेंस अमाउंट पेड ऑफ जीएसटी, ये है ही नहीं इसमें, है क्या? कोई अच्छी बात नहीं है, बेकार क्वेश्चन, वही घिसा बेटा। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अरे ठीक है, तो चलो जल्दी से सेना इकट्ठी करो इनपुट की और आउटपुट की, और वो टेबल बनाओ। वो टेबल तुम तुम्हारे उसमें बनाओगे, चलो मैं ही करवा देता हूँ, जल्दी जल्दी करो प्लीज। आईजीएसटी और सीजीएसटी की सेना, पहले बात करते हैं अपन किसकी? इनपुट की। इनपुट में आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी शायद एक ही है, देख लो प्लीज, एक ही है। कितना है वो? 54,000। फिर उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो सीजीएसटी का टोटल करो, पहला है 4,500, फिर अगला इनपुट है 720, और उसके बाद एक इनपुट है 2700। टोटल करो कितना हुआ? ये हो गया 5,200, 7,200, 7,920। चेक कर लेना, यहां से आएगा इनपुट नंबर वन, इनपुट नंबर टू और इनपुट नंबर थ्री, चेक कर लेना तीनों को। अब मैं टोटल कर रहा हूं किसका? आउटपुट का। आउटपुट में आईजीएसटी हैगा और एक ही है शायद, 16,200, और सीजीएसटी एसजीएसटी भी एक ही है, 30,600। तुम लोगों से टेबल बन जाएगी क्या? याद है तुमको? हाँ, टेबल बन जाएगी क्या बेटा? कौन सी वाली टेबल? लो फॉर्मेट बना लेता हूँ, प्लीज उसको एडजस्ट कर लेना आपस में। आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी,
ये वाला होता है ऊपर वाला आउटपुट, नीचे वाला इनपुट। आउटपुट ये रहा, मतलब 16,200, 30,600, 30,600, ठीक है। और इधर इधर दूसरे पेन से लिखता हूँ, नहीं तो तुम्हें दिखेगा नहीं। अबे देखिए वो आप IGST, CGST और SGST। IGST का इनपुट है 54,000 और इनका है 7920, 7920, और लास्ट में आएगा जो बच जाएगा वो बैंक, 1, 2, 3 और लास्ट में बैंक, और जो एंट्री होगी वो ऐसे डाउनवर्ड स्लोप होगी। आप टेबल बनाओगे, एंट्री पास करोगे, मैं 2 मिनट में आया, मैं एक की नोटबुक में टेबल चेक करूँगा। बहुत भारी है बटन उसका। सबको दिख रहे हैं नंबर्स? हाँ, ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IGST फॉरवर्ड अप्रोच में झोले में देखा कितने रुपए हैं, 54,000। सबसे पहले कौन मिला? IGST, तो पर्याप्त पैसा है 54,000 में से। तो इसको दे दिया, ठीक है। 54,000 में 16,200 गए, कितने बचे आपके पास? 37,800, ठीक है। कितने पैसों की जरूरत है? 30,000। अपने पास कितने हैं? 37,800 है ना, तो ये ले ले भाई 30,600, तू ले ले, ठीक है। कितने बचे? 7,200 बचे। सबको समझ में आ रही है फिगर, ठीक है। कितने पैसों की जरूरत है? 30,600, पर मेरे पास तो कितने हैं? ओनली 7,200 ही है, तो ये ले ले भाई पूरे 7,200, तू ले ले, ये चलेगा। ओके, बैलेंस इधर जीरो, इधर जीरो, इधर कितने बचे बेटा? इधर बचा 23,400। हाँ सही है, क्या हो रहा? 23,400। अब कौन निकलेगा? CGST। कैसे निकलेगा? बैकवर्ड अप्रोच में। बैकवर्ड अप्रोच में सबसे पहले कहाँ जाएगा? अपने घर। SGST नहीं जाएगा, ये तो जानी दुश्मनी है दोनों को, बातचीत बंद है इनकी। होता है ना रिश्तेदारों में किसी को थोड़ा सा आदर सत्कार ना मिले तो बातचीत बंद कर देते हैं, तो वैसे वाले हैं, बातचीत बंद नहीं इनकी। पहले CGST, जरूरत है क्या? नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है, नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है। मतलब एक तरीके से ये बैलेंस बच गया कितना? 7920। ये वाला इनपुट तो काम ही नहीं आया। ओके, अगला फिर कौन चलेगा 7920 का? SGST, वो भी कहाँ से चलेगा? बैकवर्ड। सबसे पहले जाएगा घर। पैसों की जरूरत है क्या? हाँ जरूरत है, 23,400, तो 7920 है, आप ले लो। इसको तो होते तो भी नहीं देता, इसके लिए है नहीं, जरूरत भी वैसे नहीं है। तो अब इधर जीरो, इधर जीरो, और इधर माइनस करो कितना बचा? 15,480। ये हमें बैंक से पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी बुक का सोल्यूशन मैच ना हो तो ना हो, चेक करो हो रहा है क्या? हो रहा है, ठीक है। कभी कभी ना भी हो तो चलेगा, हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही है। अब अपन चलेंगे डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो में सबसे पहले लेंगे आउटपुट IGST। इस लाइन के ऊपर है वो डेबिट, इस लाइन के नीचे है वो ट्रेड। तो सबसे पहली एंट्री होगी आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, कितना? 16,200। पर यार बिल्कुल ही तुम ट्रिक के ऊपर बेस्ड हो जाओ। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने सो रहा हूँ, मुझे क्या लेना है? अबे भले ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लॉजिकली तो समझ सकते हो कि 16,200 का पेमेंट हमने किससे किया? IGST के इनपुट से कर दिया सारा सारा। तो अब क्या आएगा? क्रेडिट क्या हुआ? इनपुट IGST। तो ये एंट्री करेंगे टू इनपुट
आईजीएसटी अकाउंट 16,200, डन। सेम ट्रीटमेंट किसका हुआ, सीजीएसटी का, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी थोड़ी है, आईजीएसटी है, सीजीएसटी का पेमेंट किससे किया, आईजीएसटी से, कितना है 30,600 और 30,600। बेटा सीखने वाली सारी बात इस बार कहाँ पे है, एसजीएसटी में। कहाँ से चालू करेंगे, सबसे पहले यहाँ आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 30,600, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 30,600, आईजीएसटी से उसको कुछ मिला, हाँ मिला सर 7,200, तो टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 7,200। सर उसको सीजीएसटी से कुछ मिला, नहीं सर दानी दुश्मन है, सीजीएसटी से कुछ नहीं मिलता, एसजीएसटी से उसको कुछ मिला, हाँ मिला सर 7,920, तो टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 7,920। और लास्ट में बाकी का पैसा कैसे चुकाना पड़ा, बैंक से, तो टू बैंक 15,480। ठीक है देव मानुष कम उम्र है, देखिए भाई चिपकली उपकली आ गई वहां से ये वाला क्या कुछ भी क्या नहीं आया इसमें, इससे पहले वाला आ गया, ये पूरी एंट्री नहीं है, 7,920 नहीं है, ये कहां से आया 7,200 कहां से, ये एस जी एस टी, ये तो ये 7,920 यहाँ से है, ये एस जी एस टी, और बच्चा वो कहाँ से आया, बैंक से। अरे बेड़ा बनाता तू मेरे में भाई, जो ध्यान देगा उसको तो समझ में आ रहा होगा, और ध्यान देने के बावजूद भी समझ में ना आए तुम्हारी गलती नहीं है, है ना। टाइम है क्या हमारे पास, है 3 मिनट है, यार 3 मिनट में क्या होगा, 3 मिनट में इलस्ट्रेशन नंबर 8 होगा, ठीक है इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ जाओ फटाफट जल्दी से आ जाओ। सर ये जो बैलेंस का अमाउंट है, थैंक गॉड किसी ने तो मुझसे पूछा, सर ये जो बैलेंस का अमाउंट है इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं होगा, समझ में आया। अरे आप मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, कुछ थोड़ी सी तैयारी कर लेते कल के सॉल्यूशन। कुछ भी करने का था सिंह, अब मेरे को एक पता पड़ता है कि जब वो बोलता था सिंगम देखी बापू तूने, सिंगम नहीं देखी, याद नहीं है, जब धरा रूम है ले चल चल तू पागल है क्या, पिक्चर देखना आता है बेटे बेटे सीधा भाई। ओके मेरी बात सुनो, खाली इतना देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें डीलर कहाँ का है और वो ट्रांजेक्शन्स कहाँ के थ्रू कर रहा है, ताकि आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी लगेगा, बस इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आईजीएसटी का ट्रांजेक्शन हो तो आई लिख देना, सीजीएसटी एसजीएसटी का हो तो सी और एस लिख देना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो प्लीज, थोड़ा स्पीड में करेंगे अपन, 3 मिनट में क्वेश्चन करना है। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दीपक ऑफ गुजरात, अंडरलाइन कर लो गुजरात, भाई साहब गुजराती गुज्जू भाई, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम अनुप्रिया अब्दुल इजम की फ्रेंड और गुजरात, तो ये भी कहाँ की है गुजरात, और हमारा दीपक भी कहाँ का है गुजरात, तो क्या लगेगा सी जी एस टी और एस जी एस टी, अंडरलाइन करो। अरे यार ये लोग तुम्हें कितना गधा मानते हैं, कितना बेवकूफ मानते हैं लोग, जब लिखा हुआ ही है तो फिर तो हम क्या ही कर लेंगे उसका यार, ठीक है जाओ दबा हो जाओ भाई टाटा सी।